देखिए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक के पास 100 रुपये जो है वो डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट इज 100 रुपीज और SLR जो है वो है 20%। अपने डिपॉजिट का 20% उन्हें देना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा एज अ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ टी बिल और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ? 20 रुपये। इसका मतलब 20 रुपये एज अ ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सारी कमर्शियल बैंक अपने पास रख रही है। तो 100 में से अगर हम 20 रुपये निकाल दें तो अब सिर्फ 80 रुपये बचे जो कि कमर्शियल बैंक के पास है। वो 80 रुपये लोगों को एज अ लोन दे रही है। अगर मान लीजिए RBI इस SLR को बढ़ाकर 30% कर देती है, 30% का मतलब ये है कि अब 100 में से 30 रुपये आपको रखने पड़ेंगे अपने पास और आप सिर्फ 70 रुपये एज अ लोन दे सकते हो। तो आपने देखा कि SLR के बढ़ जाने से बैंक की लोन देने की जो कैपेसिटी है, जो कि पहले 80 रुपये थे, अब 80 रुपये से वो कम होकर 70 रुपये रह गई है। इसका मतलब SLR के बढ़ जाने से जो लोन देने की कैपेसिटी है वो बैंक की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर लोन देने की कैपेसिटी कम होगी है तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा देगा। तो इस तरह से SLR के बढ़ जाने से बैंक इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, अब लोग डिस्करेज होंगे, लोन कम लेंगे, इस तरह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है हमारा वो कम हो जाएगा। SLR के बाद अगला पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी। इकॉनमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? जहाँ तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच देगी, जहाँ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को कब बेचा जाता है और कब खरीदा जाता है। पहले है सेल ऑफ सिक्योरिटी। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल कर देगी। अब RBI ने जब सेल कर दी है तो इसके पास पब्लिक के पैसे आ जाएंगे, मतलब कि मनी सप्लाई इन द इकॉनमी कम हो जाएगा। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ा? इट विल रिड्यूस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को RBI ने सिक्योरिटी सेल कर दी, कमर्शियल बैंक के जो पैसे हैं वो किसके पास आ गए? RBI के पास। इस तरह से कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो गए तो वो लोगों को लोन भी अब क्या देगी? कम देगी। इस तरह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर RBI चाहती है कि वो मनी सप्लाई को बढ़ा दे तो वो क्या करेगी? इट विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। इस तरह से कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इकॉनमी में मनी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI जो है सिक्योरिटी को बाय करेगी और सेल करेगी इस बेस के ऊपर कि RBI मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है कि कम करना चाहती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हम CRR भी कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिल्कुल SLR की तरह है, बस CRR और SLR के बीच में डिफरेंस इतना है कि SLR कमर्शियल बैंक को एज अ डिपॉजिट अपने पास रखना है, एज अ रिजर्व अपने पास रखना है, बट कैश रिजर्व रेशो डिपॉजिट की वो परसेंटेज होती है जो कि कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ेगी।
तो CRR इज द मिनिमम कैश रिजर्व. ये कैश रिजर्व है, ये वो पैसा है जो कि हर एक बैंक को, हर एक कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा. अब देखो दोस्तों, अगर तो CRR बढ़ जाएगी, इसका मतलब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे RBI के पास रखने पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट बैंक के ऊपर क्या पड़ेगा, उनकी लोन देने की कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी. जब भी किसी कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम होगी, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर ये पड़ेगा कि हमारी मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. दूसरी तरफ अगर CRR कम हो जाती है, तो उसका इफेक्ट बैंक के ऊपर ये पड़ेगा कि बैंक की लोन देने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, आमतौर पर जनरल पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत हो. तो कमर्शियल बैंक कहाँ से पैसे लेगी, वो बोरो करेगी RBI से. जिस रेट के ऊपर RBI कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उस रेट को हम कहते हैं रीपरचेज रेट, और इसको हम रेपो रेट भी कहते हैं. रीपरचेज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो द फंड फ्रॉम RBI. अब मान लीजिए कि हम क्रेडिट को कम करना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी में, तो RBI क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी. जब वो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा देगी, तो कमर्शियल बैंक भी आगे लोन लोगों को महंगा देगी. इस तरह से ये पूरा सर्कल चलेगा और हमारी जो क्रेडिट है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा. अगर कमर्शियल बैंक को लोन जो है वो सस्ता मिलता है RBI से, मतलब कि हमारा जो रेपो रेट है वो कम हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस तरह से हमारा क्रेडिट जो है वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जब कमर्शियल बैंक को सस्ता मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी आगे जनरल पब्लिक को सस्ता लोन देगी. इस तरह से लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन की और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगला पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट. दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा CRR के बारे में. CRR क्या है, एक फिक्स परसेंटेज रखनी पड़ेगी हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास. अब रिजर्व बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स हैं, उन डिपॉजिट के ऊपर RBI जो है वो इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक को. जिस रेट के ऊपर इंटरेस्ट देगा RBI कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक के लिए एक इनकम का सोर्स हो गया. अगर RBI रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है, तो उसके बढ़ जाने से क्या होगा, टू अर्न हाई इंटरेस्ट रेट बैंक विल कीप हाई डिपॉजिट विद द RBI. क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक के लिए इनकम है, इसलिए कमर्शियल बैंक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे RBI के पास एज अ डिपॉजिट रखेगी. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल रिड्यूस द लोन गिविंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक. बैंक की लोन देने की कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा. इस तरह से हमने सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है क्रेडिट कंट्रोल के वो कवर कर लिए हैं. बैंक रेट सबसे पहले कर लिया, उसके बाद हमने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो किया, जिसको SLR भी कहते हैं. फिर हमने जो है बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन किया. फिर उसके बाद हमने कैश रिजर्व रेशो की. कैश रिजर्व रेशो के बाद हमने रीपरचेज रेट किया. फिर हमने रिवर्स रेपो रेट किया. रीपरचेज रेट को हम रेपो रेट भी कहते हैं. इस तरह से हमने 6 टेक्निक्स की हैं
जो कि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक की कैटेगरी में डालते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है वो हर एक एरिया के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए होती है। अगर CRR बढ़ेगा तो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए, हर एक कैटेगरी के लोन के लिए बढ़ जाएगा। अगर SLR बढ़ेगा तो हर एक कमर्शियल बैंक के लिए बढ़ेगा। लेकिन कुछ टेक्निक्स हमारे पास होती हैं सिलेक्टिव टेक्निक्स। सिलेक्टिव टेक्निक्स जो हैं ये स्पेसिफिक एरिया के लिए होती हैं। अब स्पेसिफिक एरिया में जो टेक्निक्स होती हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। इट इज़ कंट्रोलिंग द क्रेडिट टू अ स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया के लिए हम क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे। क्वालिटेटिव टेक्निक में सबसे पहले हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? मान लीजिए आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लोन के बदले में आपको बैंक को एज अ सिक्योरिटी कुछ देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने अपना घर जो है बैंक को गिरवी रख दिया और 10 लाख रुपए लोन की डिमांड कर दी। अगर मान लीजिए आपके घर की कीमत 12 लाख रुपए है जहाँ 10 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको लोन मिलेगा। अगर घर की कीमत 12 लाख है और बैंक आपको 10 लाख रुपए लोन दे रहा है तो 10 लाख और 12 लाख में जो डिफरेंस है यानी कि 2 लाख रुपए, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मार्जिन इज इक्वल टू सिक्योरिटी ऑफर्ड। आपने सिक्योरिटी जो ऑफर की उसकी कीमत है 12 लाख रुपए, तो सिक्योरिटी ऑफर्ड 12 लाख माइनस अमाउंट बोरोड बाय द बैंक। अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंक। आपने सिक्योरिटी ऑफर की 12 लाख की और अमाउंट बोरो फ्रॉम द बैंक, बैंक ने आपको पैसे दिए हैं 10 लाख, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख रुपए का। जो 2 लाख रुपए है वो आपका क्या हो जाएगा? मार्जिन हो जाएगा। अब मार्जिन के चेंज हो जाने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे चेंज हो जाती है वो हम देखते हैं। मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ जाने से अब आपको अगर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको 12 की बजाय 13 लाख रुपए की वैल्यू की सिक्योरिटी देने पड़ेगी। इसका मतलब कि आपका जो लोन है वो महंगा हो गया है, तो आप क्या करोगे? कम से कम लोन लोगे। इस तरह से हमारी पब्लिक जो है वो डिस्करेज हो जाएगी लोन लेने के लिए और हमारी इकोनॉमी में जो क्रेडिट सप्लाई है वो कम हो जाएगी। देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। दूसरी तरफ इसका बिल्कुल ऑपोजिट ले लेते हैं। मान लीजिए अब 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको सिर्फ 11 लाख की सिक्योरिटी देनी है। इसका मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारी कम हो गई है। मार्जिन रिक्वायरमेंट के डिक्रीज हो जाने से जनरल पब्लिक इनकरेज होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए। इसका मतलब देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी।